नर्तकी थी। कौन थी? नर्तकी। अब ई ससुरा जाके फंस गया केकरा से? माँ देवी से। या हद है बेचारा। अब बताओ इसको कितना तकलीफ लगा होगा जीवन में। बबुआ एक चीज याद रखिए, तुम्हें जब भी काम आएगा किसी लड़का के जीवन में तो उसकी अंतिम समय तक पत्नी ही काम आएगी, और किसी लड़की के लिए जब भी काम आएगा तो हस्बैंड और ससुराले काम आता है। बाकी जो होता है ना, बाकी हमेशा याद रखिएगा कि जब तक पैसा है तब तक ये लोग हैं। समझ गए कि नहीं यार? जब तक आपको है तब तक ही क्या है, अदरवाइज में नहीं रहेंगे। तो हमेशा याद रखिए भाई, जब भी काम आएगी तो पत्नी ही काम आएगी। बड़ी समझाई को बलन को कि भाई आप का है, मतलब हमारा एक मोरल होता है कि नहीं होता है। लेकिन ससुराल प्रेम, राजनीति और धर्म, ये तीन नशा अफीम से भी खतरनाक होता है। जिसको चढ़ गया उस ससुराल नशे न उतरता। तो इनकी ये पगलाया था किसके चक्कर में? माधवी। किसके चक्कर में? माधवी। अब माधवी नचनिया, समझ आ गया कि नहीं आ गया? ओके, पीछे पीछे खूब घूम रहा है, ओके पैसा लूट रही है, डेरी मिल्क कभी खा रही है, कभी टेडी बियर ले रही है, कभी मोटरसाइकिल पे घुमाने के लिए कह रही है। आजकल का मोटरसाइकिल ऐसा आ गया है कि इतना ऊपर बैठाता है लगता है ओकरा बेचने ले जा रहा है। खूब मस्ती से बैठा लाती है सर। अब तो ध्यान दिए, कबो मोटरसाइकिल पे बैठेगी तो बिना मुंह बांधे ना बैठेगी, पूरा मुंह बांध लेगी। नहीं तो भाई के पहचानने का डर बाद में, पहिलका वाला पहचान जाएगा ससुराल। अरे भाई ओकरा के तो पता है कि हमारे भाई गांव में है। यहाँ तो ये जाके कोना के चक्कर में चल गया। कनगी समझाई बहुत, जाइए अब क्या कहेगी, जाइए अगर ढूंढ लीजिए हमसे बेहतर कोई मिलता है तो चले जाइए, और अगर कोई ना मिले तो लौट आइएगा, हम कल भी आपके थे और आज भी आपके। बेचारा गया, समझ में नहीं आता इसको ना, लात मारी तब इसको समझ में आया। सबको कहते हैं ये प्रेम मोहब्बत ऐसा जगह है जिसमें किसी गुरु की शिक्षा काम नहीं आती है। यहाँ जब भी काम आता है तो लड़की का लात, जब लात मारेगी ना तो पलट के कभी नहीं देखेंगे इस दुनिया में। बस एक ही चीज मांगे, भगवान ही तकलीफ खत्म कर दे, जिंदगी में ना देखने वाले इस एरिया में। समझा गया? तो जब लात मारी इनको ना, तब समझ में आया किसको? कोवलन को। आके माफी मांगते हैं, माफ कर दी यहाँ पे। तो लड़की सबका दिल बहुत बड़ा होता है। एक लड़की, ध्यान से समझो, एक लड़की कभी चरित्रहीन हो ही नहीं सकती जब तक कि एक पुरुष चरित्रहीन नहीं होता है। यह वास्तविकता है। एक गाना भी है ना कि कोई हसीना कदम पहले बढ़ाती नहीं, तो कभी नहीं, क्योंकि डरी हुई है सब सतयुग से। लक्ष्मण जी एक बार काट दिए थे ना, किया होगा। तो स्टार्टिंग वो नहीं करती है। हाँ ये बात अलग है कि अगर एक बार स्टार्टिंग हो गया तब तो उस ससुरी ओकर स्पीड देखेंगे तो क्राइनिक इंजन लग जाता है। फिर वो पलायन बेग से जाती है, चल दूसरे दुनिया में लेके चल जाए। नहीं देखे एको गाना है, ससुरी ओकरा हेलीकॉप्टर से टांग लेता है, चल ले चले तुझे तारों की दुनिया। अरे वो लड़कियां सीबीएसई बोर्ड की रहती है, देखते हेलीकॉप्टर से टंगाई लेती है, ओकरा देखती है, वाह 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 हिंदी मीडियम की लड़की रहेगी, कांदा उतार दे हमरा ना जा। दे ही चल जो ससुरा हमरे बस कर। अब बता हिंदी मीडियम की लड़की जाएगी उतारों की दुनिया में, लगेगी चिल्लाने, यहाँ तो झुलवा पे उल्टी कर देती है, अरे वाह उतार दे। लाइव वाला समझ रहा है सब ना, सीबीएसई वाला बहुत नखरा करती है सर। बताइए देखिए, हेलीकॉप्टर पे चढ़ के नहीं डर रही थी, हम उस गाना को देखे तो हम भाड़ में गया गाना ससुरा, हम देख रहे थे कितना हिम्मत वाली लड़की है ससुरा, हेलीकॉप्टर टंगाई ले ओकरा लाइन मार रही। ये सब तुम लोग को समझ में नहीं आएगी, ये सब लड़की सबके मुस्कुराने पे नहीं जाना चाहिए, उस सबको देख के मुस्कुराती है। कोवलन चल गया, अब बेचारी इस राजा था कोवलन, धन दौलत सब लुटा गया, सब कुछ कहीं के ना रहे, तब आए कहां पर? अपनी पत्नी के पास। अब ये लोग गरीब की तरह जिंदगी जीने लगे, राजा से बर्बाद हो गए, इनके पास कुछ भी नहीं था खाने पीने के लिए। तो एक कनकी ने अपना पायल दिया, जाइए इस
बेचकर कुछ व्यापार के लिए, तो ये गया बेचने के लिए मदुरई के बाजार में। कहाँ पर? मदुरई के मतलब व्यापारिक मंडी में। कहाँ पे? मदुरई में। तो मदुरई में इसने एक को पायल में दी थी, पहले एक को बेचिए, एक को बेच दीजिए, चांदी के भाव मिल जाएगा वहां पर। तो गया बेच के लाया और पैसा लुआ, तो दोनों व्यापार करके जिंदगी बड़ा खुशहाली से जीने लगे। समझ में आ गया कि नहीं? लड़का और लड़की के मेंटेलिटी में अंतर होता है। लड़का ये चाहता है ना कि उसको ऐसी लड़की मिले। लड़की से एकदम ध्यान से सुन रहे लड़का से ज्यादा ये बात को लड़की ध्यान से सुने, कौन सी खोजता है रे? बता दे कि नहीं? देखो कहते यस सर। लड़का की मेंटेलिटी खराब ये होती है कि वो ये सोचता है कि जो उसे लड़की मिले वो उसका पहला प्यार बने। मतलब लड़का सोचता है ना कि हम लड़की के जीवन का पहला प्यार बने, बट लड़की ऐसा नहीं सोचती। वो ये सोचती है कि हमको जैसा भी लड़का मिले, हम उस लड़के के जीवन, हमको जो लड़का मिले हम उसके जीवन के आखिरी प्रेम बने। मतलब हमारी बात कोनों के चक्कर में ना जाए ला, तो मतलब उसको अगर कोई लड़का जाकर कहता देख भैया हम ओकरा चक्कर में पड़ल थे, माफ कर दे, तोरा बाद हम कोनो को ना देखेंगे, तो खुश हो जाएगा, अच्छा ठीक है, एकरा बाद ना फुल स्टॉप मारिए। लेकिन लड़का ना, अगर कोनो लड़का से आके उनका पत्नी कह देगी कि ब्याह से पहले हम ओकरा से फंसल, तो सोचा जिंदगी भर ओकरा से बैठल लगेगा। इसलिए लड़की लोग को कहते जीवन में कुछ हो जाए बताना ही नहीं है कि कोना से फंसल थे। सही बता, ये लड़कों की मेंटेलिटी है बाबू, ये मेंटेलिटी है। अगर वो जान गया तो जिंदगी भर ससुराल रगड़ेगा। मतलब हाँ हाँ बात बात तो घुस आएगा, हाँ हाँ ओकरा तो मन चढ़ाई ले। इसलिए कुछ भी हो जाए कितनो कसम दे दे, माँ बाप बेटा कुछ कसम दे दे, आपन कसम दे, भाड़ में जा ससुराल कसम। सुनो ध्यान से, कसम एक रसम है। कसम क्या है? रसम। अगर कसमें सच होती तो सबसे पहले खुदा मरता, भगवान की कसम ऐसे, भगवान की कसम ऐसे। ससुरा इतना ना लोगों ने कसम खाया भगवान का कि भगवान अजर और अमर हो गया। और लोग कहते हैं कि कसम खाने से लोग मर जाते हैं, हमको तो लगता है जितना कसम खाओगे आदमी अमर हो जाता है। इसलिए कभी नहीं बताना है, और ये भी नहीं कहना है कि नहीं था, बीच बीच में से निकाल दे, हमको पसंद था लेकिन बहुत है। अरे सुन सुन, अरे साफे ना बोलेगा तो बवाल ना हो जाएगा, लड़कवा बोख है का? बहुत पसंद था लेकिन बहुत खचरा था, दूसरे के चक्कर में था, फिर हम कसमें खा लिए कि हम किसी और को देखबे नहीं करेंगे। ओ माय गॉड कितनी अच्छी लड़की है। चलो अरे ये सब ज्ञान तोरा कौन देगा? चलो ध्यान से देखो यार, तो इसने क्या